Hey guys, welcome back to my channel Prachi's Beauty Spot and advance me happy Diwali and this is my Diwali ka look. So कैसे हैं आप सब? मैंने आप लोगों को इन दो हफ्तों में बहुत मिस किया और फिर सोचा कि कोई शुभ मुहूर्त निकाल के मैं ये दिवाली का वीडियो बनाऊँ कॉज मुझे थोड़े से लाइक्स की सख्त जरूरत है. मजाक कर रही हूँ गाइस. ओके, सो मेरे पास तीन बहुत अच्छे रीजंस है कि मैंने मेकअप या हेयर मेकअप का वीडियो क्यों नहीं बनाया. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जो मैंने लास्ट टाइम नवरात्रि का 9 दिन वाला सीरीज किया था उसमें मेकअप का उतार चढ़ाव थोड़ा ज़्यादा हो गया था. इसके लिए मेरी स्किन की वाट लग चुकी थी और मैंने डिसाइड किया कि मैं एटलीस्ट 2 हफ्ते मेरे स्किन का अच्छे से ख्याल रखूँगी और मेकअप बिल्कुल भी नहीं करूँगी. सो दिस वॉज माई फर्स्ट रीज़न. सेकेंड रीज़न वॉज दिवाली की साफ सफाई. एंड आई एम श्योर कि तुम सब लोगों का भी यही हालत होगा, बट मेरी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज हो गई इस साफ सफाई में. सी एंड थर्ड रीज़न वॉज कि मुझे अमेजोन से थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी. मैंने कंसीलर लिया है एक और एक ब्रश लिया है, प्रिसिशन ब्रश, और मुझे उन दोनों का भी वीडियोज़ बनाना है. रिव्यू वाला वीडियो. सो नेक्स्ट 2 वीडियोज़ उन दोनों के बारे में होंगे और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी होगा. आज की नहीं बट नेक्स्ट वीडियोज़ में. ओके एंड अरे मैं एक बात बताना तो भूल ही गई. जो ये दिवाली वाला दिन है संडे को जिस दिन हम लोग ऐसे तैयार होंगे, अगर आप लोग चाहते हो कि आप मेरा उस पूरे दिन का मैं क्या करती हूँ, मैं कैसे सेलिब्रेट करती हूँ बिना किसी पटाखों के या बिना किसी पोल्यूशन के, और आपको देखना है कि मैं कैसे सेलिब्रेट करती हूँ, सो आपको नीचे 25 to 30 लाइक्स इस वीडियो को मिलने चाहिए सो दैट मैं जल्दी से वो संडे को शूट कर लूँ एंड देन मंडे या ट्यूजडे को मैं वो वीडियो अपलोड कर लूँगी ऑल फॉर यू गाइस. तो ये लुक को अचीव करने के लिए हमने पहले आईज की है एंड देन फेस का मेकअप किया है. बिकॉज आज मैंने डार्क ब्लू कलर का कुछ पहना है, डार्क ब्लू एंड गोल्डन कलर का मिक्स कॉम्बिनेशन वाला ड्रेस है, और मैंने आँखों का भी सेम कलर किया है. सो डार्क कलर के ज़्यादा फॉल आउट्स होते हैं, इसके लिए मैंने आईज पहले की है एंड देन द फुल फेस. सी तो वीडियो को शुरू करते हैं. सो मैं आज ये आई पैलेट यूज़ करने वाली हूँ. सो स्टार्टिंग में मैं बहुत यहाँ पे डार्क ब्लू लूँगी, उसके बाद यहाँ पे हाफ कट क्रीज करके गोल्डन लेने वाली हूँ एंड थोड़ा सा एंड में ब्लैक भी होगा. ओके कीप वॉचिंग. सो दिस शुड बी द आई शेप ब्लू कलर का. एंड में हम लोग ब्लैक लगाएंगे लेकिन उससे पहले ब्लेंडिंग ज़रूरी है. सो अब हम थोड़ा सा ब्लैक लेंगे एडजस्ट के सिर्फ. सो ये है मेरा पैलेट और मैं इससे D4 से, क्राइलॉन का D4 है, उससे कट क्रीज कर रही हूँ. ओके सो कट क्रीज की जो शेप होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है और जो लाइंस हैं वो स्ट्रेट आनी चाहिए और थोड़ी सी प्रैक्टिस से ये काम हो सकता है आसानी से और एक करेक्ट फ्लैट ब्रश की हेल्प से. ओके सी लाइक दिस. सो हम यहाँ पे अब गोल्डन करने वाले हैं गोल्डन आई शैडो आगे की साइड पे. ओके सो ब्लेंडिंग करने से पहले मैं एक लाइट ब्लू शेड लेना चाहती हूँ और जो यहाँ बीच का जो एरिया है गोल्डन और डार्क ब्लू के मिलने का, वहाँ पे मैं लाइट ब्लू थोड़ा सा लगाना चाहती हूँ ओम्ब्रे इफेक्ट के लिए. ओके सी दिस इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल. अब मैं जो एक्सेस है वो टिश्यू पेपर से हटा देती हूँ और एक विंग जैसा बन जाएगा. लेट मी शो. अगर आपको ये बहुत ज़्यादा हार्ड लगे तो आप लोग एक सेलो टेप का भी यूज़ कर सकते हो इसको ऐसे एंगल देने के लिए. वो मैं किसी और वीडियो में दिखा दूँगी अगर आप कमेंट करते हो तो. सो अब हम
अपना वो जो न्यू NYP का कंसीलर है वो लगा लेते हैं एंड जो फेस का मेकअप है वो स्टार्ट कर देते हैं। ऑलराइट लुक्स बेटर राइट। अब अपना नॉर्मल फाउंडेशन लगा लेते हैं। मुझे ज़्यादा हैवी कवरेज वाले फाउंडेशन इतने नहीं पसंद है, सो मैंने बहुत ही लाइट कवरेज का लिया है। अब पाउडर करना बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, वरना सब जगह फाइन लाइन्स, रिंकल्स, क्रीजेस, इन सब होने के चांसेस होते हैं। पाउडर लगाना बहुत ज़रूरी है, और आप कौन सा भी पाउडर ले सकते हो, चाहे वो पॉन्ड्स ही क्यों ना हो, बट ज़रूर लगाएं पाउडर। मैं लैक्मे का कॉम्पैक्ट ले रही हूँ। आप कॉम्पैक्ट भी ले सकते हो और कोई ट्रांसल्यूसेंट पाउडर भी ले सकते हो। हम जल्दी से थोड़ा सा लाइनर लगा लेते हैं, बिकॉज ये जो लुक है वो आधा अधूरा लग रहा है। ओके ये सो आई एम रेडी। अब सिर्फ लिपस्टिक और आईब्रोज बचे हैं, सो हम जल्दी से आईब्रोज भी कर लेते हैं। सो माय आईब्रोज आर लुकिंग जस्ट परफेक्ट, बिकॉज मैं दो दिन पहले ही आईब्रो करवा के आई हूँ। ओके सो अब लिपस्टिक की बारी है, एंड यू गाइज नो दैट आई लव पिंक, सो आज भी हम पिंक के साथ ही जाएंगे। आज थोड़ा सा डार्क पिंक लगाया जाए या लाइट पिंक, सो आई एम गोइंग फॉर सम लाइट पिंक इफ यू कैन सी। सो आई एम डन विद माय मेकअप, आई एम लुकिंग गाइस, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। ओके एंड मेरे जो नेक्स्ट वीडियोस है वो कौन से होंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, सो डोंट भूलो 5, जस्ट रिमेम्बर 25-30 लाइक्स ओनली, दैट्स इट। मिलते हैं ट्यूसडे को आई गेस। बाय।